हम अभी बात कर रहे हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल सुलभ जी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 100वां वर्ष पूरा हो गया है और मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं इस संबंध में हमसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो आपका जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसके आप अध्यक्ष हैं, किस तरह से इसको आप मना रहे हैं? ऐसा है, ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन देश की प्राचीनतम कुछ संस्थाओं में जो साहित्य के लिए और हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन और विकास के लिए कार्य कर रही है उनमें से एक है। और यह सम्मेलन का शती वर्ष है, यानी 100वां वर्ष 19 अक्टूबर 1919 को इसकी स्थापना हुई थी बिहार में, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनके संरक्षण में। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि बिहार के जितने बड़े साहित्यकार हुए, बड़े हिंदी सेवी और हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन और प्रचार में योगदान देने वाले, और वो साहित्य सम्मेलन के बड़े अधिकारियों में सम्मिलित हुए। स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सम्मेलन के अध्यक्ष थे, रामबृक्ष बेन पुरी जी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी, राहुल सांकृत्यायन जी, दिनकर आचार्य पूजन सहाय, काशी प्रसाद जी जायसवाल, बड़े नामों की एक लंबी फेहरिस्त है जो सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। और यह सौभाग्य की बात मेरे लिए है कि मेरे जैसा भी एक छोटा व्यक्ति आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष है, और हमारे लिए विशेष गौरव की बात है कि यह शती वर्ष के आयोजन में हम लोगों को सम्मिलित होने का एक ऐतिहासिक अवसर में एक ऐतिहासिक महत्व मिलने का गौरव हम लोगों को मिला है। तो ये 100 वर्ष में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो ऐतिहासिक अवदान है हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में, और हिंदी भाषा और साहित्य का भारतीय सभी भारतीय भाषाओं के उन्नयन में जो इसका योगदान है, उस योगदान को चिन्हित करने का, उसे स्वरूप देने का भी यह वर्ष है। और इसलिए इस वर्ष में कई मूल्यवान प्रकाशन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण आयोजन भी हो रहे हैं, ताकि वो अगली अनेक पीढ़ियों तक यह एक उनके लिए एक दृष्टांत के रूप में, एक उदाहरण के रूप में मिले और आख्याति के रूप में। जैसे कई पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। अच्छा। एक तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास का 100 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास का प्रकाशन, और साथ में हम इस शती वर्ष में सम्मान के 3 बहुत महत्वपूर्ण आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जिनमें से एक इसी 26 मार्च को पूरा हुआ है। अच्छा। 26 मार्च को हम लोगों ने देश भर की 100 विदुषियों का सम्मान किया, एक ऐतिहासिक घटना हुई। तो पूरे देश भर के लोग, पूरे देश भर से, सभी प्रांतों से। तो ये उद्देश्य था कि एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष में हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो स्थानीय लोग हैं, हमने जैसे अगर दक्षिण भारत की महिलाएं आ रही हैं, तो वो जो वहां की मूल निवासी हैं और हिंदी के लिए कार्य कर रही हैं, हमने प्राथमिकता में इसे रखा है। तो अंडमान निकोबार हो या असम अरुणाचल और जम्मू और कश्मीर हो, देश भर के सभी प्रांतों से वो बड़ी विदुषियां आई। चुनाव का प्रक्रिया किस तरह से, मतलब पूरे देश के जो लोग आए? हाँ, ये आपका प्रश्न अच्छा। हाँ, कि आप बिहार में चला रहे हैं और पूरे देश के लोगों को आपने शामिल किया है। हाँ, तो इसके लिए ये सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये सूचना हुई पूरे देश में, और जितनी नामचीन महिलाएं हैं, विदुषियां हैं, उन लोगों के परामर्श, उन लोगों की संस्तुतियां आई, और उनके आलोक में उन सब जगह से उनका परिचय मंगाया गया। अंग्रेजी में बायोडाटा कहते हैं, उनकी रचनाएं मंगाई गई, उनके चित्र मंगाए गए, और सबका निरीक्षण करने के पश्चात वो निर्णय तय किया गया कि अमुक अमुक स्थान से अमुक महिलाएं होंगी। कितना टाइम लगा आपको सब करने में? इस प्रक्रिया में वो लगभग 1.5 महीने लगते हैं, लेकिन वो सब हुआ और एक बड़ा उत्सव हुआ। गोवा के महामहिम राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी, जो स्वयं एक बड़ी विदुषी है, अच्छी लेखिका है, बराबर साहित्य सम्मेलन में आती भी रही है,
गवर्नर होने से पहले भी आती थी, उसके पश्चात भी अनेक बार आई है, हमारे कई अधिवेशनों का उद्घाटन उन्होंने किया है और इस आयोजन का भी उद्घाटन भी किया, उन्हें भी एक शताब्दी सम्मान का हिस्सा बनी, वो स्वयं पहला सम्मान उन्हीं को दिया हमने और उनके हाथों से शेष 99 महिलाओं का विदुषियों का सम्मान भी हुआ और 3 घंटे समय दिए उन्होंने क्या और 2 बार आए, एक तो उद्घाटन और सम्मान समारोह में पूरे समय तक रही और उसके बाद जो राष्ट्रीय कवयित्री सम्मेलन था उसमें भी भाग ली। तो अगला जो आयोजन है वो 9 जून को है जिसमें हम देश भर के 100 मनीषी विद्वानों का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा। और उसी प्रकार प्रत्येक प्रांत से कम 2 मनीषी विद्वान उसमें सम्मिलित किए जाए, तो उन सबको सूचनाएं मिली हुई है, उनको 30 तारीख तक का समय दिया गया था उनको बायोडाटा और संस्तुतियां भेजने के लिए, बहुत सारी संस्तुतियां आ चुकी है, उन पर हम लोग पहले सप्ताह में निर्णय लेकर के उन सबको सूचित करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि 9 जून को सब आए और एक बड़ा उत्सव और इस सबके ऊपर पुस्तक का भी प्रकाशन। तो जैसे महिलाओं का जो सम्मान हुआ तो उन पर भारतवर्ष की 100 विदुषियां इस शीर्षक से एक पुस्तक आ रही है, उसी प्रकार से जो हम 9 जून को सम्मानित करेंगे विद्वानों का तो उन पर एक भारतवर्ष के 100 मनीषी विद्वान इस शीर्षक से पुस्तक आएगी और अगस्त में फिर हम लोग युवा साहित्यकारों का सम्मान कर रहे हैं जिनमें महिलाएं पुरुष इस 9 जून का और पूरे देश के युवा होंगे। हाँ, कि बिहार के नहीं नहीं पूरे देश भर ये जो सम्मान समारोह है पूरे भारत वर्ष के लिए, इसलिए भारत चूंकि हम पूरे भारत वर्ष को एक सूत्र में जोड़ रहे हिंदी के माध्यम से और हमने कहा भी है कि हिंदी ही जिसको आज से 100-150 साल पहले हमारे विद्वानों ने इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने माना, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जब स्वरूप ले रहा था उसी समय लोगों ने अनुभव किया कि इस देश की कोई एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। अब दक्षिण के लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर के लोगों को पता नहीं, उत्तर के लोग क्या कर, कोई संपर्क नहीं बन पा रहा था, तो भाषा एक बड़ी कठिनाई सामने में बिल्कुल। और संस्कृत एक समय भारतवर्ष की भाषा थी, एक अलग विषय हो जाएगा उस पर बड़ी बड़ी लंबी चर्चा करता हूँ, फिर उस पर बात करेंगे। साजिश करके षड्यंत्र करके हमें हमारी अपनी भाषा से दूर किया लोगों ने और बाद में इतनी कोई ऐसी संपर्क की भाषा देश में नहीं रही जो पूरे देश में कोई संपर्क की भाषा हो, आपसे आदान प्रदान की भाषा हो। तो भारत के विद्वानों ने स्वतंत्रता सेनानियों ने अनुभव किया था कि देश में एक संपर्क भाषा विकसित की जानी चाहिए और लोगों ने माना था कि हिंदी संपूर्ण देश में स्वीकार हो सकती है, इसलिए हिंदी को देश की भाषा बनाई गई और इसके लिए उसी समय आंदोलन आरंभ हुआ। और मैं अनुभव करता हूँ कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का आंदोलन एक साथ शुरू हुआ और 1910 में इलाहाबाद में अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना, जिसके पहले अध्यक्ष हुए मदन मोहन मालवीय जी और उनके प्रधानमंत्री थे पुरुषोत्तम दास राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ये परिकल्पना पुरुषोत्तम दास टंडन जी की थी, वो बड़े उसमें हिंदी के बड़े अनन्य भक्त हुए। तो उस और प्रति वर्ष उसका विभिन्न प्रांतों में अधिवेशन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबू श्री कृष्ण सिंह जैसे बिहार के लोग उससे और बहुत सारे साहित्यकार इससे जुड़ गए थे और राजगोपालाचारी जैसे दक्षिण के विद्वान भी जुड़े हुए थे। तो सब लोगों ने प्रचार जाहिर किया, राजेंद्र बाबू, गंगा शरण सिंह जी बिहार से दक्षिण भारत में जाते थे हिंदी के प्रचार करने के लिए। तो राजेंद्र बाबू जी के ही आग्रह पर अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन बिहार में आहूत हुआ था और उसी साल बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। तो हम ये कह रहे थे कि हिंदी 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने यह निश्चित किया कि भारतवर्ष के राजकाज की भाषा यानी शासन की भाषा, जो कई राष्ट्रभाषाएं जो चिन्हित की गई जो राष्ट्रभाषा की राष्ट्रवंश सूची में सम्मिलित है उनमें से हिंदी ही देश के राजकाज की भाषा हो,
और इसीलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। लेकिन उसमें एक बाधा उस समय किन कारणों से डाल दी गई कि ये कहा गया कि अगले 10 वर्ष तक अंग्रेजी कामचलाक भाषा बनी रही। लेकिन वो कामचलाक भाषा क्या बनी रही, वही मुख्य भाषा बन गई, और बाद में जो एक संशोधन किया गया उसको मैं बहुत बड़ा अभिशाप मानता हूँ हिंदी साहित्य के लिए, भाषा के लिए विशेष रूप से, कि उसमें यह डाल दिया गया कि जब तक प्रत्येक प्रांत से, मतलब सभी प्रांत जब तक यह न कहेंगे कि हिंदी देश की राजकाज की भाषा हो, तब तक हिंदी देश की राजकाज की भाषा नहीं बन पाएगी। तो ये 14 सितंबर को घोषणा करके भी हम उसका अनुपालन नहीं कर सके, तो आज भी देश के राजकाज की औपचारिक भाषा हिंदी नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। तो इसको मैं पूरे देश में नहीं, विश्व में ये कह रहा हूं कि यह भारतवर्ष के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए वैश्विक लज्जा का विषय है कि देश में देश की कोई भाषा आप राजकाज की भाषा अभी तक नहीं बन पाई। बिल्कुल, तो देश भर के हर एक व्यक्ति के लिए लोक लज्जा का विषय है। लोग कहते भी हैं कि भाई तुम्हारे देश में कोई ऐसी एक भाषा नहीं है जिसको तुम राजकाज की भाषा बना सकते हो। तो इस बिंदु पर भी हमारा इस बार का ये संकल्प है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कि इसको लेकर के भी पूरे देश में हम आंदोलन चला रहे हैं। हमने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्रियों को और महामहिम राज्यपालों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आप इसे एक वैश्विक लज्जा का विषय मानते हुए आप शासन को, भारत की सरकार को यह आग्रह करिए, हमारा प्रांत चाहता है कि हिंदी ही राजकाज की भाषा बनाई जाए और यथाशीघ्र बनाई जाए। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष सती वर्ष में जो हमें आंदोलन ये संकल्प लेकर चल रहे हैं, जैसे पिछला ही आयोजन हुआ जब मैंने मन से ये बात कही तो सारी महिलाएं एक स्वर में खड़ी हुई, ताकि आप कहिए आज से धरना पर हम सभी बैठती हैं कि जब तक हिंदी को राजकाज की भाषा नहीं बनाओगे हम उठेंगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, वैसा भी समय आएगा, पहले हम लोग पूरे देश में ऐसा वातावरण बना दें और यह संदेश दें कि हिंदी के उन्नयन से, हिंदी भाषा के विकास से भारतवर्ष की किसी भी दूसरी भाषा को कोई अहित नहीं है। यह मिथ्या धारणा है और राजनीतिक कारणों से उत्पन्न की गई धारणा है, विचार है, और भाषा में भेदभाव पैदा किया, उत्पन्न किया गया है। आम लोग को मैं किसी भी भाषा से कोई परहेज नहीं होता है, और मैं नहीं मानता हूं कि दक्षिण के लोग हों या उत्तर पूर्व के लोग हों, उन्हें हिंदी नागवार गुजरती है। और मैं तो यह भी कहता हूं कि इस देश की किसी भी प्रांत की, किसी भी वर्ग की, किसी भी स्थान की भाषा भी अंग्रेजी होती तो हम कहते हैं चलो हमारे देश की एक भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब एक किसी भी प्रांत की, किसी भी स्थान की भाषा अंग्रेजी नहीं है और अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, दक्षिण के लोग या उत्तर पूर्व के लोगों की भाषा भी तो अंग्रेजी नहीं है ना, नहीं वो सीखते हैं, सीखते हैं, इसलिए कि उनकी व्यवस्था है कि देश का काम हो रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो अगर अंग्रेजी सीख सकते हैं तो हिंदी क्यों नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, यह बात समझाई जानी चाहिए। और मैंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हम जो सम्मान का भाव रखते हैं, अगर वही भाव हम भारत हिंदी की भाषा के प्रति रखते तो कोई कारण नहीं है कि हिंदी भाषा को स्थान नहीं मिल जाएगा जिसकी अधिकारिणी है और जिसके बारे में शासन ने घोषणा, संविधान सभा ने निर्णय लिया कि कब तक आपका समापन होगा और आप कितने वर्षों से अध्यक्ष हैं इस पद को। ये मेरा 6ठा वर्ष है अध्यक्ष के रूप में और इस शताब्दी वर्ष 19 अक्टूबर से आरंभ हुआ है, पिछले 19 अक्टूबर से 18 से हाँ, और 19 अक्टूबर 2019 को यह संपन्न होगा, 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। और इस बीच में हम महामहिम राष्ट्रपति जी से भी आग्रह करेंगे कि हमारा जो समापन समारोह होगा उसमें उपस्थित हों, उसकी गरिमा बढ़ाएं। जब इसका स्वर्ण जयंती हुआ था बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का, तब भी भारत के राष्ट्रपति जो वहां गए, उस आयोजन क्या बात गए थे, तो 100वें वर्ष में तो राष्ट्रपति जी को अवश्य उनकी गरिमा बढ़ेगी
साहित्य सम्मेलन को ऐतिहासिक महत्व मिलेगा और हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन जो अपना योगदान देता रहा है उसकी भी सामाजिक स्वीकृति। हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल सुलभ जी जो कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, पिछले कई वर्षों से हिंदी को लेकर बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, लोगों को बुलाते हैं, निमंत्रण करते हैं, ताकि भाषा का जितना विकास होना चाहिए था दुर्भाग्य से देश में नहीं हो सका। इसकी 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 वजह सब व्यवस्था है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं दोष है और जनता में भी दोष है कि जो अपनी भाषा से भटक कर दूसरे भाषा का प्रयोग करती है, इसको बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करती। सबको मिलकर करना होगा तभी इस हिंदी भाषा को अपना स्थान मिल पाएगा, अपने अस्तित्व में आ पाएगा, नहीं तो फिर इसी तरह हम लोग भटकते रहेंगे। मैं भी राजबाबुल।